सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज राजस्थान एंड यू आर वॉचिंग बकेट लिस्ट। आज मेरे पास है दैट इज द GoPro Hero 7 Black। इसके बारे में बहुत सारा रिव्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप सभी को। बहुत ही अच्छा एक्शन कैमरा है, लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर आते हैं मार्केट में, उसका कुछ डिसएडवांटेज रहता है, एडवांटेज भी रहता है। तो उस हिसाब से इसको मैंने बहुत दिन से यूज़ करा, बहुत ही अच्छा है। इसलिए होते हैं कि इसका जो नीचे वाला जो माउंट है, इसको इस तरह से रखने के लिए कुछ कुछ सर्फेस में हमें दिक्कत होता है, ठीक है। ब्लॉगिंग के दौरान अगर आप इसे ये वाला माउंट अगर यूज़ करते हो, आपको कुछ कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आपको कुछ कुछ दूसरा माउंट भी लेना पड़ सकता है। तो आज एक्चुअली अमेजोन से मैंने एक छोटा सा इसके लिए भाई मंगवाया था। इसका भाई कह सकते हो, दोस्त कह सकते हो, जो भी हो रिलेटेड टू दिस कैमरा। और तो चलिए सबसे पहले इस बॉक्स में क्या बॉक्स कंटेंट है इसको अनबॉक्स करते हैं, और इसके साथ इस कैमरा का क्या रिलेशन है तो हम सभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अनबॉक्सिंग। उससे पहले कहना चाहूँगा, चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए हम पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। एक छोटा सा बॉक्स कंटेंट है, अंदर में क्या है आप सभी को पता चल जाएगा। चलिए इधर से करते हैं हम लोग अनबॉक्स। सो गाइज दिस इज द कॉल द GoPro शॉर्टी मिनी एक्सटेंशन पोल एंड ट्राइपॉड, जो इसके अंदर में मुझे मिला अमेजोन से मैंने जो मंगवाया था। और इसका ओरिजिनल प्राइस है आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए इसको जूम करके देखते हैं। दिस इज द 3900, 4000 रुपये के आसपास पड़ जाते हैं इसका। और अभी सेल चल रहा था यहाँ पे, तो इसे मुझे लगभग 2000 रुपये के मिला। मान लीजिए कि 50% मुझे डिस्काउंट मिला, इसीलिए मैंने ऑर्डर किया। और दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दिस GoPro Hero 7 Black। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स कौनते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, एक सिंपल सा पोल ही है, लेकिन ये आप यूज़ कर सकते हो GoPro को। उल्टा हो गया सर, एक छोटा सा इसके साथ बस एक ही चीज़ आते हैं, दिस इज़ द GoPro शॉर्टी। एक सिंपल सा ट्राईपॉड है, बस इतना ही है ये, देखिए एक छोटा सा इतना ही सा है बस। इसको आप लंबा कर सकते हैं और इतना तक ही आते हैं बस। ये कितना, 1 फीट भी नहीं होता है साइड, इतना ही आते हैं ये। सो इतना लंबाई होते हैं ये। और इसको अगर आप माउंट करना चाहते हो तो इसको खोलना पड़ेगा। इसको खोलने के बाद ये स्क्रू हट जाता है, और इधर से इसको भी हटाना पड़ेगा। लेकिन ब्रांड का सामान है, इसीलिए थोड़ा इसका ज़्यादा प्राइस है, बाकी दूसरा कोई चीज़ नहीं है इसका। इसको यहाँ पे अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसको खोल के इसको आप फिटिंग कर लो यहाँ, ठीक है। पहली बार में थोड़ा टाइट हो सकता है, बट ग्रेजुअली आप जब यूज़ करते रहेंगे। चलो ये टाइट हो गया पूरा, इस हिसाब से आपको चाहिए। ये एक सिंपल साइज के साथ छोटी होता है, इसको पकड़ सकते हो, ग्रिप भी अच्छा है इसका। इसको आप नीचे कर सकते हो, इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसको इतना छोटा हो जाएगा, दिस इज ए GoPro ब्रांडिंग के साथ आते हैं, दिस इज ए GoPro, और ये भी हो गया GoPro, तो दोनों साथ में रहते हैं, अच्छा रहता है। इस हिसाब से आप पकड़ सकते हो, अच्छी तरह से ग्रिपिंग अच्छा है। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, इस हिसाब से अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो, इसको पोल को अगर नीचे घुमाना चाहते हो तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, जिस एंगल में आपको चाहिए वीडियो, जिस हिसाब से अगर आप लेना चाहते हो तो इसे ऐसे कीजिए। और ये हो गया, और उसके बाद इसको अगर आप कोई टाइम लैप्स के लिए लेना चाहेंगे तो इस हिसाब से आप ले सकते हो इसे, इस हिसाब से आप इसे रख सकते हो। दिस इज द GoPro शॉर्टी, ठीक है। एक सिंपल सा चीज़ है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा हो जाते हैं इस हिसाब से अगर आप लेंगे तो, ये बहुत ही छोटा है। जो पहला वाला मेरा माउंट था GoPro ब्रांडिंग के साथ आते, बस इतना ही सिंपल सा चीज़, इसके साथ कुछ भी नहीं। ये बॉक्स और ये कंटेंट, इसका प्राइस हो गया लगभग, इसका प्राइस हो जाते हैं आपका 2400 के आसपास। पेटीएम में अगर आप देखेंगे, पेटीएम में 2500 के आसपास, फ्लिपकार्ट में भी 2500 के आसपास चल रहा है। और अभी फ़िलहाल सेल चल रहा था इसका अमेजोन में, अमेजोन में इसका सेल चल रहा था 2000 के आसपास, तो इसलिए मैंने मंगवाया। बहुत ही अच्छा है, ग्रिपिंग भी अच्छा है। आप अच्छी तरह से इसको यहाँ से पकड़ के अच्छी तरह से इसके खींच के एक्सटेंड भी कर सकते हो अच्छी तरह से। दिस इज़ अ फ्लेक्सीबल और अच्छा ही है। इसका मैं परफॉर्मेंस कैसा होगा मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अच्छी तरह से इसको मैं यूज़ करता हूँ, 2-3 दिन इसे यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा कि इसका रिव्यू कैसा है। मेरे हिसाब से तो GoPro ब्रांडिंग का है, अच्छा ही होगा, वारंटी वगैरह कुछ नहीं मिलता, अच्छा है क्वालिटी, क्वालिटी अच्छा है। ये फर्निस अच्छा वाला ये प्लास्टिक के साथ बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है, हार्ड प्लास्टिक से ही बनाया हुआ है, सिंपली है। बस यहाँ से आप पकड़ लो, इसको टाइट कर लो अच्छी तरह से, टाइट करके इसको यहाँ से पकड़ो और इसको यहाँ से लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यही एक छोटा मोटा
ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, एक छोटा मोटा अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ था। मेरे GoPro Hero 7 के लिए मैंने मंगवाया था एक GoPro Hero 40, जो कि इसका भाई कह सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद चलिए इसका रिव्यू कैसा होगा नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, एक छोटा सा सिंपल सा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, छोटा सिंपल सा एक अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गो फॉर द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं फिर।